अम्फान चक्रवात ने महानगर की सूरत तो बदल दी, साथ ही कोलकाता नगर निगम के लिए कई परेशानियां भी खड़ी कर दी है। जगह जगह पर पेड़ तो गिरे हुए हैं, साथ ही तारों का जंजाल भी है। मंगलवार को कोलकाता नगर निगम के प्रशासक फिरहाद हकीम ने बताया कि सभी केबल ऑपरेटर्स को दिशा निर्देश दिया गया है कि 7 दिनों के अंदर अनयूज्ड वायर हटा दे। अगर वायर नहीं हटाए गए तो अब कोलकाता नगर निगम कार्य करेगा। उस वक्त यह नहीं देखा जाएगा कि कौन से तार उपयोग में आने वाले हैं और कौन से तारे उपयोग में नहीं है। उन्होंने कहा है कि पिछले 3 वर्षों से यही बात लगातार बोली जा रही है, लेकिन इन पर असर नहीं है। हालांकि इस बार बैठक के बाद केबल ऑपरेटर्स ने कहा है कि वह अनयूज्ड वायर्स को हटा लेंगे। फिरहाद हकीम 7 दिनों के बाद खुद महानगर का जायजा लेंगे कि वायर हटाए गए हैं या नहीं। কেবিলগুলো কি বলো অপটিক ফাইবার সেগুলো ওপর থেকে টেনে নিয়ে গেছে, এগুলো অন্যায় হয়েছে। তাই সবাই কেটে গেছিলাম, কেবল অপারেটরদের ডেকেছিলাম, যারা ওয়াইফাই দেয় সেসবদেরও ডেকেছিলাম যে আপনাদের ব্যবস্থা করতে হবে, নাহলে আমরা কিন্তু এবার কেটে দেবো। 7 দিন সময় চেয়েছেন, 7 দিনের মধ্যে যেগুলো আনইউজ কেবল ফেলে দেবেন, আর একটা পলিসি করে কেবিল যেগুলো অপটিক ফাইবার সেগুলো নিচ থেকে নিয়ে যাওয়া, কেবিল ম্যাক্সিমাম এইটা করুন। আমরা এটা বারবার করে করেছি, কর্পোরেশনে মিটিং করছি, কিন্তু কোনো কাজ হচ্ছে না।